वुड यू अग्री, मैं कहता हूँ इस दौर में आपको तगड़ी अंग्रेजी आती है वो एक डिग्री से बेहतर है। एब्सोल्युटली द मैन हु हैज क्रिएटेड 40,000+ जॉब्स, मैंने 1,000 की होंगी। तो बेचने के लिए आप किसी भी सरमायाकार के पास जाएंगे ना, वो आपसे बेसिकली 2-3 सवाल पूछेगा। पहली, आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। दूसरी, आप पैसे कैसे बनाएंगे। और तीसरा, पैसे आपको कितने चाहिए और कहाँ लगाएंगे। और वो तो मैं कहता हूँ कि जो किसी और के आमदन पे रह रहे हैं वो एग्जांपल नहीं है। उनसे इम्प्रेस, खुदा के लिए इम्प्रेस ना हो, उनकी ना आप देखें घर देखें, ना उनकी गाड़ियाँ देखें, ना उनकी बातें सुनें। आपने इम्प्रेस होने तो उस इंसान से हो जो कि नीचे से ऊपर खुद बनाए। सब कुछ लाइफ में आपने सोचना है कि मैंने सेल कैसे करनी है। और सेल का ये मतलब नहीं है कि जी मैं ऊंचा बोल पाऊँ, सेल का मतलब ये कि मैं अगली पार्टी रिजल्ट एतमाद बिल्ड कर पाऊँ कि ना पाऊँ, अपने को बेच पाऊँ, अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँ, कस्टमर है, यानी जिंदगी लिटरली बेचने पे होती है। अंग्रेजी में लफ्ज है ना ग्रिट, देखिए ग्रिट का क्या मतलब, ग्रिट का मतलब है आप लगे रहो। बच्चों को देखें ना, रट लगा लेते हैं चीज़ों की, लेकिन बेवकूफ़ाना रट नहीं होनी चाहिए। हर दफ़ा आपको सीखना चाहिए कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम क्या गलती की थी जिस जो इस दफ़ा मैं गलती ना करूँ। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे मौका नहीं मिला। भाई मौका किसी को नहीं मिलता, मौका ढूंढना पड़ता है आपको, बनाया जाता है, मौका बनाना पड़ता है आपको, और वो आप ही बनाएंगे, आपके लिए और कोई नहीं बनाएगा। बड़ा क्लियरली आप अगर किसी से सरमायाकारी रेज कर रहे हैं ना, आपको बड़ा क्लियरली उनको बताना पड़ेगा कि वो पैसे कैसे बनाएंगे और वो पैसे कब बनाएंगे। और ये अगर नॉलेज आपको नहीं है तो बेसिकली आप किसी से पैसे रेज ना करें। दूसरी बात ये है कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। देखें, हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे, आप जापानी ले लें, आप जर्मन ले लें, आप कुछ अमरीकनों को ले लें, क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो दुनिया में कामयाब है, वो इसलिए नहीं कामयाब कि वो ज़्यादा ज़हीन है, खबत है उनमें। आपने खबत होना होगा, खबत नहीं होगा तो आप में एनर्जी नहीं रहेगी। एक बंदा कमा रहा है बहुत ज़्यादा खाने वाले, ये चेंज होना होगा। आपकी औरतें जब तक आप कुछ ना करो उनको किसी दुकान में खड़ा कर दो, जब क्योंकि सारे आप एशिया में देख रहे हैं, आप इंडोनेशिया चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, फिलीपींस चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, सारी बेसिक दुकानों में औरतें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मिलियनेरो बाइकिया के फाउंडर CEO मुनीब मायर हैं मेरे साथ। इन्होंने कहा है कि मेरी कहानी मत पूछिए, बहुत बार सुना के थक गया हूँ एंड अक गया हूँ। ओके, आज हम क्या करेंगे, ही लव्स टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, आपकी मदद करना चाहते हैं। जो इनकी सबसे पहले कंपनी थी जिस पे ये काम करते थे, दैट वाज अबाउट 8 ईयर्स अगो, और 6 साल पहले छोड़ी, रफली बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या करते थे, बच्चों को आउटसोर्स करते थे। हाउ, एक बच्चा यूनिवर्सिटी से निकला, बेरोज़गार है लेकिन बनिस्बत दूसरों के थोड़ी सफिस्टिकेशन है उसमें, थोड़ा होशियार है, उसको ऑफिस में बिठाया, आउटसोर्स कर दिया, वो किसी का वर्चुअल असिस्टेंट बन गया, किसी की डेटा एंट्री की, किसी का छोटा मोटा जो काम है ना अमेरिकन कंपनी के लिए कर लिया, क्योंकि यहाँ बैठे सस्ता मिलता है। लेकिन उसको दफ्तर में बिठाया, और एक नहीं कई 100 बच्चों को बिठाया, उनको इंटरनेट दी, अच्छा ऑफिस दिया, ताकि वो भी महसूस करें कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो जब वेंचर से एग्जिट हुए तो दराज का आपको पता है, CEO लगने से पाकिस्तान में, आई मीन अगर मैं कहता हूँ ना कि ई कॉमर्स हमने सीखी है तो हमने दराज से सीखी है, ठीक है। सो ड्यूरिंग इस दौरानिया CEO थे, हमें कितनों की आपकी रोजी लगी हुई है, मैं कितनी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि बच्चा यार 50,000 महीने के कमा रहे, जूते बेच के, कपड़े बेच के, लेडीज की ज्वेलरी बेच के, और अब जो लेडी खातून जो इनका आपने हालिया में इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने बताया नहीं कि आइटम क्या थे, बट समथिंग टू डू विद लेडीज फिटनेस, वो घर से बैठ के कमा रही हैं बिकॉज ही इनेबल्ड इट, नॉट नेसेसरली हिम बट ही वाज पार्ट ऑफ दैट, उसको लीड तो कर रहे थे ना वो छोरा। तो आज इस प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं बाइकिया, 40,000+ बंदे इनकी वजह से रोजी कमा रहे हैं। देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला किसको बनाया, इनको। वो बंदा जो यार जिसको हम यानी दूसरी लुक भी नहीं देते उसे, कोई यानी जिसे हम जायल समझते हैं, जिसे हम गवार समझते हैं, नकम्मा समझते हैं, वो भी इनके यहाँ आके पैसे कमा सकता है। उसको मोटरसाइकिल चलाना होना चाहिए, और हर घर में तकरीबन मोटरसाइकिल तो है, राइट। तो उसको भी इस्तेता दे दी कि यार तू भी कमा सकता है पैसे, और वो ऐसा स्किल है कि अगर यहाँ पे वो मोटरसाइकिल चलाना और वो राइडर अच्छा बन जाता है तो दुबई चला जाए, ऊबर ईट्स का बन जाए, तो वहाँ पे 3,000 दिरहम उसकी तनख्वाह लग जाती है, हर बंदे की नहीं, जिस बंदे से मैंने बात की थी उनकी, ठीक है, उनके भी हज़ारों राइडर थे, प्लस टिप्स, लाखों रुपए बन जाते हैं वहाँ पे। तो आपकी ये वैल्यू बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते गए। एक और अलहदा वीडियो भी आप देखोगे, बाइकिया कैश,
आपको इनेबल करने देती है कि आप यार क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो। बाइकिया कैश क्या, अगर आपने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो वो डालेगा अंदर अपने डिटेल्स और 10 मिनट के अंदर बाइकिया का एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा कैश लेके और 2 मिनट बाद वो आपके बैंक अकाउंट में होगी। यानी कि 12 मिनट मैक्सिमम वो उसके पैसे देने से, कार्ड डालने से या कैश देने के अंदर अंदर आपके पास आपकी नकदी होगी, आपकी बैंक रोलिंग ना फांसने के नहीं जाएगी। थैंक यू टू दिस मैन। तो अगर इनकी नीयत ये है कि भाई आप जो मेरी है, मेरा अपना जाविया है, मैं ऐसे ऐसे बंदे आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ, आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ, तो ये आपका बिजनेस करना आसान बना रहे हैं, समझ गए ना। सो टुडे वी गोइंग टू लर्न कि इतना कीमती बंदा कैसे बनता है, वो गुर, वो धक्के इन्होंने क्या खाए, व्हाट वाज हिज लाइक। मैं तो चाहूँगा मेरे सारे पाकिस्तानी ऐसे हों, अगर इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो यार दुनिया हमारे नीचे लग जाएगी, सीरियसली कहेंगे यार हम अमेरिकन आई पे लाइन में लगे होंगे, हमें उनको रेड लिस्ट में डालना पड़ेगा, भाई आज अमेरिकन नहीं आ सकते, ठीक है। सो आई वॉन्ट कि हमारे मुल्क की कदर बढ़े, और कदर तभी बढ़ेगी जब आप चाहोगे कि यार मैं, मेरी को कदर बढ़े। यू लर्न समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राइट, फेक वाली हाउ आर यू? थैंक यू बहुत बहुत, आपने बड़ी अच्छी डिटेल दी, और कभी मैं भी सुनता हूँ तो बट इट्स ट्रू। हाँ, हम्बलनेस एंटरप्रेन्योर में हम्बलनेस होती है, ठीक है। अब भी मैं कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं खटा, अभी कहते हैं यार अभी बड़ा कुछ खटने को रह गया, राइट। सो हम कभी राजी नहीं होते ऑन व्हाट वी हैव अचीव्ड। कहानी आपने कहा था, मैं बार बार अपने आप को रोक रहा हूँ, कहानी में डालने वाला हूँ लेकिन कहानी नहीं डालूंगा, सबक डालूंगा। वो SNL, मुझे उस कंपनी का नहीं पता था, ओके, उन्होंने बताया नाम उसका, ओके। हाउ डिड यू गेट दैट रोल? आपकी काबिलियत क्या थी, उन्होंने आपको चुना क्यों? अब यहाँ पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी फॉर देयर सेक, क्योंकि ये समझते हैं बड़े अरसे से कि भाई रटा कॉलेज में, स्कूल में नंबर्स लिए, गोल्ड मेडलिस्ट, फला फला डिग्री ली, तो आप कुछ कहीं पहुंच जाओगे। वो रियलिटी ख़त्म हो गई है, 30 साल पहले ख़त्म हो गई थी, या कहें कि वो है भी ना, तो यार ओवर फ्लडिंग हो गई है, तो हमें कोई उसके बरक्स रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। दिस इज इट। इनसे सुनिए, वॉट वॉज दैट रीज़न एंड हाउ मेनी इयर्स अगो वाज़ इट? तो मेरी एज 42 है, ठीक है। तो कॉलेज मैं गया हूँ 1998 में, और उस ज़माने में 22 साल, मैं कहता हूँ पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और तालीम ही है जो आपको एक रुतबा दे सकती है और एबिलिटी दे सकती है कि आप कम्युनिकेट करें। यस, ठीक है। तालीम रटा नहीं उन्होंने बोला, तालीम बोला। और देखें, आपने फर्स्ट सेकंड आने का फ़ायदा सिर्फ नहीं है, आपने करना ये कि उस तालीम को एक एक, एक, एक पेडेस्टल या एक स्टेपिंग स्टोन बनाना है, ताकि आप कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिले काम की। तो स्कॉलरशिप ली, अमेरिका से पढ़ाई की। अब लोग कहते हैं कि यू लकी थे, आप लकी थे, लकी नहीं थे, आप भी लकी हो सकते हो। तकरीबन 200 कॉलेजेस को अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप सिर्फ 2-3 ने दी थी, क्योंकि आप एक दो पे अटक के ना कहते भाई मेरी नहीं होती। 200 परसिस्टेंस, पहला सबक, ठीक। और क्योंकि कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ी होती है, तो वो एक वेवर भी बनवाया था कि जी पैसे नहीं है कॉलेज फी की एप्लीकेशन जमा करने के लिए, इसलिए 200 को अप्लाई किया था कि 1% चांस तो होगा ना कहीं ना कहीं वैसी स्कॉलरशिप मिलने का। माशाल्लाह, ये दरख्वास्त लिखवाई भी जाती है, सर माय फादर इज़ नॉट, और 1 रुपया जुर्माना माफ़ करें। अब मुझे याद है क्योंकि वालिद साहब मेरे सरकारी मुलाजिम थे, और इतनी आमदन नहीं थी कि भाई बाहर की एजुकेशन अफोर्ड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाके एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप के बाद कॉलेज से जब ग्रेजुएट किया, तो जॉब पकड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कुछ अरसे के लिए काम सीखने के लिए कि जी ये बाहर के मुल्कों में सबसे मुश्किल जॉब कौन सी है। yes. और आपको सबसे मुश्किल जॉब इसलिए पकड़नी है ताकि आप प्रूव कर सकें कि आप कंपेटिटिव हैं। हाँ, मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि देखिए अक्सर लोग कहते हैं जी आपकी किस्मत नहीं, आप वहाँ तो आप कंपीट कर रहे हैं एक अंग्रेज़ के अगेंस्ट, तो आपको अगर उनकी टॉप नौकरियाँ मिल रही हैं सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आप कंपीट करें। सो कंपटीशन आप में से कभी नहीं निकलनी चाहिए। yes. ठीक है। सो कंपेरेटिव एज रही है, और वो कंपेरेटिव एज देखिए ना, आपको आपको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, अगर आपका अगर आपकी तरबियत और आपकी तालीम अच्छी है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको उसको एक एज एन एडवांटेज इस्तेमाल करें। ठीक है, एडवांटेज आप इस आपको अंग्रेज़ी बोल सकते हैं?
अंग्रेजी बोल सकते हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप कोई भी दुनिया में नौकरी पकड़ सकते हैं। वुड यू अग्री? मैं कहता हूँ इस दौर में आपको तगड़ी अंग्रेजी आती है वो एक डिग्री से बेहतर है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द मैन हु हैज क्रिएटेड 40,000+ जॉब्स, मैंने तो 1,000 की होंगी, 40,000 ठीक है ना, क्योंकि आपको एक जरिया दे रहा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब आपने कम्युनिकेशन कर दिया, अब आपने एक दफ़ा किसी को सेल कर दिया, देखे ना, क्योंकि आप किसी के पास गए, मैं आप कह रहे थे SNL कैसे परफॉर्म की, मैं उसके CEO के पास गया, जॉब मिलने के महीने के बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी आप जो अमेरिका में काम करा रहे हैं ना, ये 1/10 कॉस्ट पे मैं आपको पाकिस्तान में करा के दे सकता हूँ। अब आपको क्यों? क्योंकि जो सेठ होता है ना उसको लालच होती है पैसे बचाने की Yes. एक तरफ पैसे बना रहा है लेकिन दूसरी तरफ पैसे बचाने की भी लालच होती है। तो आपने उसको लालच दी कि भाई आप जो है यहाँ आपने अगर अपना काम बढ़ाना है ना तो या तो आपके पास इतनी सेविंग होगी कि आप अमेरिका में ही जो है सैकड़ों लोग भर्ती करना शुरू कर दो, या वो आप लोग जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान जैसे ममालिक में जहाँ बेसिक लेबर निस्बतन सस्ती है वहाँ कर लो। और एडवांटेज ये हुआ कि इंटरनेट आ गया तो आपके अंग्रेजी बोलने वाले पाकिस्तान में और इंडिया में जो लोग हैं उनको एक मौका मिल गया कि वो काम कर पाए बेसिकली बाहर की कंपनियों के लिए बगैर बाहर के, ठीक है। तो 2004 के एंड में मैं आया वापस पिंडी, मेरा ताल्लुक पिंडी से, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में आके ऑफिस सेटअप किया। और वो ऐसा टाइम था कि उसी के 2-3 महीने के बाद जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला भी किया और इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, आधा टाइम इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से जो है वो फाइबर ऑप्टिक की कनेक्शन लगवाई PTCL के लाइनमैन से, उसके साथ सारी रात खड़ा होकर मिन्नत करके कि यार एक जो है ना केबल लगा दो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की, तो उस जमाने में हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, हाई स्पीड इंटरनेट सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में अवेलेबल था। तो वो लगवाया और उसके बाद एक टीम से शुरू किया 4-5 लोगों से, और वो फिर अल्लाह का करना हुआ, वो 4-5 से 20 से 100 से 300 और ओवर 7 साल वो तकरीबन 650 लोग थे जब मैंने लास्ट छोड़ा था, अभी कोई 1500-1600 लोग काम करें PT इस्लामाबाद। अच्छा, और अगेन काम की नौयत ये थी कि जी आप इंटरनेट के ज़रिए जो है अमेरिकन स्टॉक्स की रिपोर्ट्स पढ़ो, उसमें से डेटा निकालो, एनालिसिस करो और वो डेटा फिर बेचो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अमेरिका में। सो नॉलेज को आप इस्तेमाल करो, लोगों की बेसिक नॉलेज प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करो, और पाकिस्तान में लोगों को फ़ायदा ये था कि उनको नौकरियां मिल रही थी रीज़नेबल तनख्वाहों पे, बेसिक नौकरियां मिल रही थी, और अमेरिकनों को फ़ायदा ये था कि उनको उनको सस्ता पड़ा था काम कराने का। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जो लोग उस वक्त आपके साथ काम कर रहे थे वो कंटिन्यूली ऊपर ही गए हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में क्योंकि पिक एंड ड्रॉप का मसला होता था, क्योंकि 3 शिफ्टें चलती थी, तो हमने लोगों को किस्तों पे मोटर बाइक दी कि भाई आपको आने जाने का मसला ना हो। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे किस्तों पे मोटर बाइक ली, क्योंकि मोटर बाइक लेने के पैसे नहीं थे उनके पास, आज वो ब्रांड न्यू करोला में फिरते हैं माशाल्लाह, ठीक है। और आप अभी भी देखेंगे जो SNL जिसको अल्टीमेटली स्टैंड पोर्स ने एक्वायर किया, आज भी इज द सेकेंड लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान, नेटसोल नंबर 1 है, उसके बाद SNP है। तो आई थिंक ये अगर आप पाकिस्तान का फ्यूचर देखो तो पहले हम लोग यहाँ से भेजते थे बाहर के मुल्कों में, चाहे आपने सऊदी अरेबिया भेज दिए लोग बंदे भेजे, क्योंकि आपकी मुल्क में बेसिकली आपका रिसोर्सेज क्या है, आप बंदे ही 200 मिलियन बंदे हैं, और वैसे ही आबाद मतलब बलूचिस्तान तो आधा रेगिस्तान है, तो बंदे ही बंदे हैं, यू नो। तो आपने पहले क्या किया कि उन लोगों को भेजा आपने मिडल ईस्ट, और अब वो डिमांड नहीं रही मिडल ईस्ट में, तो अब आपने वो लोग जो हैं उनको एजुकेट करके उनको जरिया देना ताकि वो लोगों के लिए दुनिया में काम कर सकें। एंड इस आप देख रहे हैं जो IT की एक्सपोर्ट हो रही है, ये मेरे ख्याल में बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे तालीम आ रही है लोगों में, तो बेशक पहले तो शहरों में मसला था, शहरों में आपको काम करने की ज़रूरत थी ना, अब तो आप छोटे शहरों में भी बैठ के आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर का काम कर सकते हैं, और आपकी आमदन किसी ना किसी बाहर की सोर्स ऑफ इनकम से बन सकती है। That's true. So now, वो हो गया, अब तराज ने आपको क्यों चुना, और बिलियन अगर 2 बिलियन प्लस बंदे हैं हमारे, तो आप क्यों कीमती थे?
और किसको, घोड़ा क्यों नहीं आके लाया? वाई वो यू बेटर देन अ घोड़ा? वॉट मेड यू, आपको आपको किस चीज ने बनाया बेहतर? अभी क्या काबिलियत पीछे थी? आपके पीछे कोई नहीं आता, आपको आपको खुद मौके ढूंढने। तो हुआ ये कि जब मेरे तकरीबन कोई 7 साल हो गए थे ये आउटसोर्सिंग के काम में, तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट क्या बनाना है, राइट? इंटरनेट को नेक्स्ट किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट सोच रहे थे कि इंटरनेट को मुल्क, क्योंकि उस जमाने में जो मोबाइल फोन भी इतना इंटरनेट नहीं था, मैं अब बात कर रहा हूँ बेसिकली 2012 के लगभग की, ठीक है? उस वक्त जो है लैपटॉप्स के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, DSL, ये वाईफाई कनेक्टिविटी आनी शुरू हो रही थी। तो आई बिल्ट, मेरे साथ मेरा कॉलीग मनान, हम लोगों ने एक एक वेबसाइट बनाई जो कि अमेरिका में ईबे की कॉपी थी, और हम उसके लिए पैसे रेज कर रहे थे। अब आपको 2012 में किसी ने बेसिकली टेक कंपनी बनाई या प्लेटफॉर्म बनाया ईबे जैसा और उसके लिए पैसे रेज कर रहे थे, तो दिस वाज लाइक वी वर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड कुछ बनाने के लिए ताकि किसी से पैसे रेज करें। उस वक्त पैसा सारा बुड्ढे बाबू के पास था, क्योंकि हमारे ओल्ड मनी बहुत ज़्यादा है और उनको इंटरनेट आती नहीं है। सो समझ ले कितना मुश्किल था। तो एक जर्मन वेंचर कैपिटल कंपनी थी, रॉकेट इंटरनेट, तो उनको जब ये प्रपोज किया कि जी आप इन्वेस्ट करें हमने, तो उन्होंने कहा जी कि हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं बेसिकली पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में उसको कॉपी करें, तो आप आके उसको लीड करें। तो वो कोई बैच कैन फॉर्थ हुई 1-2 महीने, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई वाई नॉट, लेट्स बनाते हैं पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें आप जो जितने लोग ताजर हैं इस मुल्क में, खासकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो ताजर हैं जो कि पूरे मुल्क में कुछ बेचना चाह रहे हैं, उनको कोई ज़रिया दें ताकि वो बेसिकली तजारत कर सकें पूरे मुल्क के साथ, ना सिर्फ कि शहर के अंदर लिमिटेड हो। तो आपका सवाल ये था कि बेसिकली उन्होंने मुझे क्यों चूज़ किया, मुझे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं उनके पास गया और उनको कहा कि यार ये मैं आपको बना के दूंगा, दरवाजे पे दस्तक दिया, ठुड्डे मारे जी। और प्लस कभी कभार अपना खुद बैंड बजाना पड़ता है, आई सेड दिस अबाउट 20+ times, जब और कोई नहीं बजाता तो आप बजाओ, ओके, एंड जोर से बजाओ, तो कब्बुर नहीं, झूठ नहीं आपने बोलना, पर जो आप में काबिलियत है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको नौकरी, इन दैट जॉब इंटरव्यू वाला वीडियो, आपको पता है कि अगले डटोल रहे हैं, नहीं दे रहे, तो से लुक मैं 2 हफ्ते आपके लिए मुफ्त में काम करूँगा, बिकॉज मुझे पता है वो मैं काम कर सकता हूँ, ऑन पेपर नहीं, करके दिखाता हूँ। एंड 75% जो बचे मेरे से ऐसे जिन्होंने किया, आई हायर्ड देम, अब नहीं करूँगा क्योंकि आप सबको टैक्टिक पता चल गया है, सब मुझे ईमेल भेज रहे हैं आजाद भाई इंटर्न रख लें ऐसे कर लें, नहीं, बट हिस्टोरिकली आई हैव डन दैट एंड इट वर्क्स, एंड ही डिड द सेम थिंग। ये हो गया दराज, दस्तक दी, यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, राइट, कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, दे वॉन्ट मी टू स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ पाकिस्तान। हेडेक थी, कुछ लोग चाहते कि नहीं यार मैं इतना बड़ा काम अपने सर पे ना लूँ, मैं एक जगह पे ठीक हो। व्हाट गेव यू दैट कॉन्फिडेंस? देखिए जी, आपने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, ठीक है, और आपने चीज़ें खुद ईजाद करनी है या बिल्ड करनी है और अपने बेसिकली रास्ते खुद निकालने हैं, ठीक है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि जी आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे ना, तो फिर आप ताउमर इंस्ट्रक्शन ही लेते रहेंगे, ठीक है। तो तराज बनाने का मकसद जो था वो ये था कि भाई दुनिया में अगर लोग एक मुल्क के अंदर तिजारत कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते, और किसी ने तो करना है बिलाखिर, तो क्यों ना हो कि बेसिकली मैं वो पहल लूँ। यस, राइट। और आप कहेंगे जी आपको क्यों ट्रस्ट किया, भाई पहली बात तो हम कब से लगे हुए उस टाइम पे बेसिकली वो पोर्टल बनाया या प्लेटफॉर्म बनाया जिस टाइम पे कोई नहीं बना रहा था। यस, yes। और जितनी लेवल ऑफ रिसर्च और नॉलेज उसके बारे में मुझे या मेरे कॉलीग को थी, दूसरों को नहीं थी इन पाकिस्तान। और सवाल मेरा था कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपको पता है जब बाहर पढ़ने का सोच रहे थे तो कॉन्फिडेंस क्या था कि भाई 200 दरवाज़ों को खटखटाया तो भाई मिल गया रिजल्ट, तो ये वो बंदा रिजल्ट, वो छोटे ही मैं तो कहूँ, आप तो उसको बहुत छोटा सा कदम बोलेंगे ना, बट वो छोटी छोटी जब आप में विक्ट्रीज आती है ना, जीतें आती हैं, तो वो बिल्कुल पहल आपने लेनी है भाई, पहल आपने लेनी है। 10 जगह खटकाओगे तो एक जगह से कहीं ना कहीं जवाब आएगा, नहीं होगा तो 9 जगह से सीखोगे, क्या मसला, क्या क्या गलती क्या कर रहे हो आप, यू नो।
तो आई मीन दैट इज हर चीज के बारे में राइट right? अब हम एक टाइम पे पांच चीजों पे काम कर रहे होते हैं, चार चीजें फेल हो जाती हैं, लेकिन लगे हुए हैं ना yes. और जब आप लगे रहे होगे तो आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो बेसिकली आप कन्विंस कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे अपने को भी, लोगों को भी, कस्टमर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी. बिल्कुल. तीन गलतियां जो आपने वहां पे की, तीन सबक आपने सीखे हो यार, क्योंकि आज भी बहुत सारे हमें देखने वाले आर एट दैट स्टेज, कि तीन सबक यार दे कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, रिक्रूटमेंट, बिल्डिंग, ग्रोथ, जो मैंने की आप मत करिएगा इन दैट दराज एरर. आई थिंक एक चीज तो ये है कि वो दराज की जो वेबसाइट और प्रोडक्ट था ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था या मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो बेसिकली एक जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी थी इसके कंट्रोल में था. तो जितनी खामियां भी थी उन पे हम ठीक उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं था हमारा बेसिक प्रोडक्ट चेंज करने में. तो देखें, आप कुछ भी बेचने के लिए जाते हैं ना, तो मार्केट में जब आप जो आप प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उस वो 100% सही नहीं होगा, उसमें लाख मसले होंगे, लेकिन आपके पास कंट्रोल होना चाहिए उसको बेहतर करते जाए, बेहतर करते जाए, ताकि वो कंप्लेंट्स कम होती जाए, और कंप्लेंट्स कम होती जाएंगी बिकती जाएगी. तो बाइकिया में ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे कंट्रोल में, हमने खुद डेवलपर पाकिस्तान में, फाउंडर एंड सीईओ, सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. उनको पता था पाकिस्तान में ये कमाई का यानी पैसे वसूल करने का मसला है, जी पेपर कब आएगा, स्ट्राइप कब आएगा, हम बना देते हैं. ठीक है, सो नाउ मैंने एक सवाल ये भी पूछा था कि यार इस पे फ़ौरन से पैसे लिए जा सकते हैं, कहते हैं यस. अब ठीक है, पेनर ने भी इस किस्म की सर्विस डाल दी है, डाल के दिए, कब से डली हुई है, बट दिस विल मेक इट ईजियर. हमारे लोग हैं ना, यानी जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उनके पास तो बहुत सारे हैं, हमारे पास लिमिटेड है. और इसी पॉइंट पर मैं दूसरी बात बताता हूँ कि दूसरा हमने जो नोटिस किया, हमारे से पहले कोई कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में नहीं होती थी. तो आपने ये रियलाइज किया उस दौरान कि भाई उठोगे, मैं दराज की बात कर रहा हूँ, दराज के टाइम पे ही, ठीक है, उस टाइम पे कैश ऑन डिलीवरी दराज ने शुरू करवाई है, ये सारे कोरियर से दराज ने शुरू करवाई है. मैं जब पाकिस्तान आया ना, तो मेरे कजन ने बोला, मैंने कहा यार पैसे किस तरह दोगे, तुमने जब मुझे कैश ऑन डिलीवरी वाला रोला बताया ना, तो इट वॉज एन एलियन कॉन्सेप्ट. लेकिन मुझे मजा क्या आया कि यार ये लो एक कंट्री है जिसके पास एक पेमेंट लेने का मसला है, तो दे फाउंड अ सॉल्यूशन. यूके में बोलो कैश ऑन डिलीवरी राइट, कोई नहीं है. यस yes, बड़ी बल्क में होगा जी, ट्रक कार है तो वो तो छोड़ो, 99% लोगों के उससे वास्ता नहीं पड़ता, बट ये ईबे शीबे का बोलो है ही नहीं ऑप्शन. तो अब देखिए, अक्सर लोग जो है ना वहाँ जाके अटक जाते हैं कि जी ये बड़ा मसला है जी, पेमेंट का बड़ा मसला है जी, बड़ा मसला, 30-30 दिन पैसे फंसे रहते हैं. जहाँ आपका मसला होगा वहाँ आप हल निकालने की कोशिश करो. बिल आखिर हमने ही कोरियर्स को बेसिकली वो तरीका बताया कि यार इस तरह आपने कैश कलेक्ट करना है, इस तरह आपने जमा करना है, ये आपने सर्विस लेवल मेंटेन करना है. और आज बाइकिया में हमने उसका प्रोडक्ट भी बना दिया. सो आप किसी मसले को लेके बेसिकली परेशान ना हो, लुक फॉर अ सॉल्यूशन, एक हल निकलेगा लाजमी. और जितने सॉल्यूशंस आप क्रिएट करोगे अपने लिए भी, बाद में उनको बेच भी सकते हो. एब्सोल्युटली, हमने बाद में प्रोडक्ट बनाया उस पर, पूरा एक पेमेंट पे प्रोडक्ट बनाया कैश की वसूली पे, राइट. और तीसरा आपका जो जो हमने रियलाइज किया कि जी हम शुरू में क्या, आज तक बेसिकली जिसका मैं कहता हूँ प्रोडक्ट का मसला रहा है दराज का, कि भाई आपकी आबादी जो है 200-220 मिलियन लोग हैं, इसमें से कोई 10-15 मैक्सिमम 20 मिलियन लोग हैं जो अंग्रेजी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अंग्रेजी में. तो अगर आपने इस मुल्क के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, आईटी का प्रोडक्ट की बात करें, और इस मुल्क को आपने एड्रेस करना है, तो आपको कुछ ना कुछ उर्दू में बनाना होगा. हाँ देखिए, आप और मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक बर्गर हूँ, ठीक है, मैं सेल्फ पहला बंदा जो अपने को बर्गर बोल रहा है. हाँ, सारी उम्र बेसिकली हम लोग एक प्रिविलेज्ड प्राइवेट एजुकेशन हमें मिली है, ठीक है, अंग्रेजी बोलने का मौका भी मिला है, और अंग्रेजी में अब आधा सोचते भी अंग्रेजी में. हाँ, वो क्या होता है, आपकी मादरी जबान पता कौन सी है जिसमें आपको ख्वाब आते हैं. बिल्कुल. लेकिन आप ये अलमिया देखें इस मुल्क का, कि ये ईरान की तरह नहीं है. ईरान में हर बंदा फारसी में लिखता है अपनी जबान में, चैट भी करते हैं तो फारसी में लिखते हैं. बहुत एडवांस है हमसे, बहुत एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस. आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहाँ एक आम शहरी भी अपनी जबान में लिखता है भाई. लेकिन पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ आपको अंग्रेजी में बेसिकली
एक बंदा बंदे को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है चैट करने के लिए, इसलिए सब कुछ वॉइस नोट पे। या मैं दो मैं अपने दाने डालूं, आई एग्री कि अगर आपको मास पेनेट्रेशन चाहिए तो उर्दू 100% आपके पास होनी चाहिए, रोमन उर्दू कम अज़ कम एन अल्टरनेटिव है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी फिर भी पुश करता हूँ क्योंकि राइट नाउ हम गरीब हैं। हम यार सऊदी में कोई भूखा नहीं मार रहा, उनकी हुकूमतें शादी करते हैं तो भाई ऐसे पैसे दे रहे हैं, ये करते हैं, बाहर आपको तालीम लेनी है तो फैमिली समेत आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे पास इस्तेदाद नहीं है, हमें एक अरसा अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, राइट? एब्सोल्युटली सीखनी पड़ेगी अगर आपने किसी को कुछ बेचना है बाहर के मुल्कों में। yes. लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में किसी को कुछ बेचना है तो भाई अगर आपने उर्दू में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी या उससे आपने अंग्रेजी में टाइपिंग कराई तो एक 10-20 मिलियन लोगों की मार्केट के ऊपर आप एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। yes. ठीक है, तो अगर आपने, और ये मैंने दराज से भी सीखा और अल्टीमेटली बाइकिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जी अगर आपने इस मुल्क में कोई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बेसिकली बड़े पैमाने पे इस पे काम करना है तो हैज़ टू बी उर्दू। यस, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बिल्कुल यू विल बी एबल टू। ठीक, तराज को छोड़ देते हैं अगेन क्योंकि मैं इन खाता हूँ, पीछे नहीं जा रहा, आगे बढ़ना है, दैट्स राइट, बट पीछे से हम सीखे ना, इनसे तो सीखे ना। बाइकिया आपने वो दराज से निकल आए, यू हैड अ बिलियन अदर थिंग्स टू डू, कर सकते थे, वाई दिस बाइक के मुतलका, बाइक को क्यों चुना एज अ प्लेटफॉर्म, एंड हाउ डिड यू इंटेंड कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा? इन्वेस्टेबल तो आप थे, वो तो आप भी हैं माशाल्लाह। देखिए आपने देखा होगा कि पहला जो पॉइंट पहली जो कंपनी थी वो ये थी कि जी इंटरनेट को इस्तेमाल करो कॉलेज एजुकेटेड लोगों को एक रोजगार देने के लिए। yes. दूसरा, इंटरनेट को इस्तेमाल करो मुल्क के अंदर ताजरों को कनेक्ट करने के लिए, इनको ई कॉमर्स सिखाओ। ई कॉमर्स आपने सिखाई, इससे पहले किसी ने सिखाई नहीं। तीसरा ये था कि अब क्योंकि इंटरनेट मोबाइल पे आ गया है, 3G 4G आ गया है, तो उन लोगों को एक जरिया रोजगार दो जिनके पास और कुछ नहीं है सिवाय एक बाइक के और सिवाय एक स्मार्टफोन के। यस, ठीक है, उनको इजाफी आमदन का कोई जरिया दो, वरना इंटरनेट वो सिर्फ सिर्फ तफरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट सिर्फ गाने सुनने के लिए और चैट करने के लिए नहीं है, इंटरनेट को आपने इस्तेमाल करना है। तो बाइक को इसलिए चूज़ किया क्योंकि देखें आप अमेरिका में हैं ना, तो आपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या पिज्ज़ा पहुंचाना है, या आपने अमेज़न का पार्सल पहुंचाना है, आप गाड़ी में पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बेसिक बाइक पे होगा सारा। yes. तो बाइक जो है वो ट्रांसपोर्ट या मोबिलिटी भी करता है, बाइक तिजारत भी करता है, कॉमर्स, ठीक है, और फिर पेमेंट भी COD बाइक पे हो रही है। तो बाइक को हमने एक फाउंडेशन बनाया कि भाई जो बंदा बाइक पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है उसको हम लेके आए। पाकिस्तान में बहुत बाइकें हैं, 17-20 मिलियन बाइकें हैं, बहुत बाइकें हैं, यू नो। तो बाइक को और स्मार्टफोन को एक जरिया रोजगार बनाओ और लोगों को पहले ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करो, क्योंकि देखिए ना आप तो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, वहाँ फिर भी चलो शुक्र है जाके मेट्रो बन गई, लेकिन मेट्रो भी एक एक एक, एक सिर्फ एक हद तक है ना, महदूद तक है। आपने मेट्रो तक कैसे पहुँचना, मेट्रो से अपने काम तक कैसे पहुँचना, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, कराची शहर में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो कैसे जाएंगे आप? ठीक है, तो बाइक को इस्तेमाल करो आप ट्रांसपोर्ट के लिए, और फिर उसी बाइक को आप इस्तेमाल करो तिजारत के लिए। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान भेजना है या कुछ खरीदना है उसके लिए इस्तेमाल करो, और उसके बाद पेमेंट के लिए इस्तेमाल करो, कैश कलेक्शन के लिए। शुरू कर दिया, एक मसला हल कर दिया, लेकिन करीम भी वो मसला हल कर रहा था। इफ़ आई वॉज टू गिव यू अ बिजनेस आइडिया, आई एम श्योर आपने आप उसमें से, मैं इसमें आपको टोकूंगा। बाइक की सर्विस बाइकिया ने लॉन्च की थी, करीम ने साल बाद कॉपी की थी। हाँ चलो ठीक है, कंपटीशन है आपके पास, तो आपको पता जब कंपटीशन होता है वो बेहतर होता है। इट्स लाइक आप 10 किलोमीटर भाग सकते हो अगर मैं आपको पुश करूँ, लेकिन आपके पीछे कुत्ता लगा दूँ ना तो आप 15 भागोगे, राइट? बिकॉज यू हैव समथिंग बिहाइंड यू। तो दैट कॉम्पिटिशन अच्छी चीज़ है। उन्होंने क्या किया जी, कॉपी कर लिया, एंड गुड फॉर दैट। आपको बेहतर होना है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे डाल सकते हैं? आपने कैश वाली डाल दी, वट प्रोडक्ट्स आर वी लुकिंग टू सी, यानी आगे हमें क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और सोल्यूशन क्या देंगे हमें? देखिए जी, अगर आप देखें, हम
मेन जो हमारा काम है ना वो ये कि मैप पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम है। लेकिन उस मैप पे दुकानें भी हैं जो कि आपको मैप पे नज़र आती हैं, ठीक है। उन दुकानों को हम वाज़े तौर पे सामने कैसे लेके आएं ताकि आप उनके साथ वीडियो चैट कर सको, उनसे आप बेसिक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सको, ये आप कैसे करो, पहले तो ये सॉल्व करो ताकि लोगों की दुकानदारों के साथ तिजारत हो। लेकिन कुछ अब दुकानें जो हैं वो फिजिकल दुकानें नहीं है, वो फेसबुक पे दुकान है या इंस्टाग्राम पे दुकान है, तो उन दुकानों को भी कैसे आप जो है लोगों से उनकी उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाओ, तिजारत करवाओ। और उस प्रोसेस में अगर आपने दो पार्टियों को मिलाया है तो ना सिर्फ आप किराए से पैसे बनाओ, लेकिन पेमेंट से थोड़े से पैसे बनाओ। यस, सो यू डोंट हैव एनी इसी को पुश करना है एंड बाइकिया को पुश करना है। सो यू आर इन थ्री सिटीज, थ्री सिटी बोला था ना आपने। पिंडी में शुरू हुए थे पहले? शुरू हम कराची से हुए थे, फिर पिंडी इस्लामाबाद गए और फिर लाहौर। आप क्या आपने फुल पिंडी कवर, कराची 100% कवर कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया? देखिए जी, 100% अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे ना, ठीक है, तो हर शहर के बेसिकली कोने जहाँ आपकी अवेलेबिलिटी सही रही नहीं रही, हाँ वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो होगा। जब आप शुरू में काम शुरू करते हैं तो देखिए ना, आप जब बटन दबाते हैं आप चाहते हैं कि 3-5 मिनट में मैक्सिमम बंदा आ जाए, ठीक है। तो वो शुरू में तो सिटी सेंटर में जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी है वहाँ ज़्यादा होगा। उसके बाद बेसिकली जैसे आपके लोग बढ़ते रहेंगे तो वो सबर्ब्स में यानी दूर दराज इलाकों में भी बेसिकली उसकी अवेलेबिलिटी होगी। तो अभी हमने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को किया है। लाहौर बेसिकली में भी अभी ग्रोथ आ रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल दूसरे शहरों में भी हम जाएंगे। लेकिन अगेन सॉल्व क्या कर रहे हैं हम, सॉल्व करें दो चीज़ें, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना जल्द अज जल्द और उनका सामान सामान या बेसिकली ख़रीदारी। यस, मेरा असल में ना जो सबक मैं सीखना चाह रहा था वो ये था कि मैंने देखा एक बड़ी बेवकूफ़ाना चीज़ है, यानी पिज़्ज़ा पार्लर ले लो या कुछ भी, क्योंकि हम सारा यानी सबक सिखाना चाह रहे ना, हम लोग क्या करते हैं एक बिज़नेस यहाँ पे खोलते हैं, एक बहुत दूर खोल देते हैं विदाउट थिंकिंग, यार दरमियान में मैं 10 और भी खोल सकता था, यानी हम सोचते नहीं। अच्छा जी, मेरी गुजरावाला में भी है यार, एक मेरी फ्लाम भी है यार, आपने आपको पता था कि आप कराची यानी लाहौर या सियालकोट के अंदर ही 10 खोल सकते थे? वी नेवर थिंक लाइक दैट। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि अपने आप को मुश्किल में क्यों डाला भाई जंपिंग टू अ डिफरेंट सिटी, फिर ऑलमोस्ट जीरो से फिर शुरू करना, फिर उनको री एजुकेट करना, फिर वही अवेलेबिलिटी वाला, अच्छा जी ऐप डाउनलोड कर, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा कोई नहीं है, फिर हैविंग वाई गो थ्रू दैट होल हैसल, वो उसमें सबक क्या था? देखें, अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है ना, ठीक है, तो आप एक इलाके से ही शुरू करें, उस इलाके से आप शहर में वैसे ही अपनी कवरेज शुरू करें, ठीक है। सो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि 3 जगह आप जो है ना एक महाज खोलें। महाज आपने खोलना है तो एक ही जगह खोलें, उसको बेहतर करें, फिर वैसी दूसरी जगहों पे जाएं। लेकिन हमारे लिए देखें, हर चीज़ की आपने प्लानिंग करनी होती है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी क्या है, ठीक है 220 मिलियन होगी, लेकिन मेन आबादी 3 शहरों में, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इधर कुछ 30-35-40 मिलियन बेसी आबादी है आपकी, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट 60 मिलियन की आबादी तक जाना चाहते हैं तो बेसी आपको तकरीबन 50 नहीं हो सकता, वैसे 70-80 बेसी शहर और मिलाने पड़े। यस, तो आपने अपनी करनी है कि जी आपने मार्केट की पेनिट्रेशन कैसे करनी है, और मार्केट की पेनिट्रेशन पॉपुलेशन के मुताबिक है हमारी बिजनेस में। हाँ, बड़े बड़े, यानी कि मेरा कहना है कि छोटे तालाब में बड़ी मछली होना अच्छी बात है, बड़े यानी बड़े तालाब में छोटी मछली मत बनो, अपने आप को स्प्रेड ना करो। जो आपने जो मेन लेसन है ना वो ये कि आप कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं ना, तो आप पहली चीज़ देखें कि आपकी जो मार्केट है उसमें कितनी बड़ी मार्केट है वो, यानी कितने लोग हैं, और ये नहीं कि हाँ जी बहुत ज़्यादा लोग हैं, हिसाब करें उसका पूरा हिसाब करें कि जी बिलफर्ज अगर कराची की एग्जांपल ले लें, अगर आप कहते हैं 15-20 मिलियन लोग हैं, इस 15-20 मिलियन लोग में मैंने पहले साल में या पहले 2 साल में मैंने 15-20 मिलियन लोगों में से कितने लोग जो हैं उनको मेरे बारे में पता होना चाहिए या मेरी बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए, उनमें से कितने इस्तेमाल करेंगे मेरी बिज़नेस को, और कितने रोज़ाना मुझे पैसे दे सकते हैं और कितने पैसे दे सकते हैं। अगर आप ये हिसाब नहीं करेंगे तो आप प्लान नहीं करें, और ये आपने प्लानिंग करनी है। देखें, क्योंकि आप जो भी तालीम ले लेंगे ना, ठीक है, आपने बिल आखिर सेल्स करनी है, बेचना है, कुछ ना कुछ तो बेचना ही है, बेचना है आपने, ठीक है। तो बेचने के लिए आप किसी भी सरमायाकार के पास जाएंगे ना, वो आपसे बेसिकली 2-3 सवाल पूछेगा। पहली,
आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है, दूसरी आप पैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, और तीसरा पैसे आपको कितने चाहिए और कहाँ लगाएंगे, ये आपने पहले एक्सेल में प्लान करना है, उसके बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, और आप सोचें कि आप एक रिश्ता मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि आगे जो रिश्ता है ये बेसिकली ट्रस्ट का रिश्ता है। अगर आपको कोई पैसे दे रहे या सरमायाकारी आप में आ रही है आपकी बिजनेस में, वो बेसिक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को आप तोड़ भी सकते हैं और चार बहाने हो सकते हैं आपके, लेकिन आप तोड़ेंगे कम अगर आप उसको ये यकीन दिला सकेंगे कि आपने अपनी रिसर्च सही की हुई है। और जो पैसे देने वाला होता है ना, वो बेवकूफ नहीं होता। मुझे ज़बरदस्ती एक का दो तीन बार बिठाया गया एज अ जज, एंड आई लिटरली हैड माई चेक बुक यहाँ पे, और एक आधा आइडिया आया है सामने दैट वाज गुड, बट वास्ट मेजॉरिटी ऐसे थे कि वही वाली कि आपको पता ही नहीं होता मैं पैसे ले लूँगा तो लगाऊंगा कैसे। अमीर बंदा वो अमीर कैसे हो सकता है, वो बेवकूफ़ है। तभी भी अमीर होगा ना अगर बेसिक बाप से बेसिकली या बदादे से कहीं से कहीं से यू नो इनहेरिटेंस के पैसे आ रहे हैं तभी अमीर होगा, वरना। और वो तो मैं कहता हूँ कि जो किसी और के आमदन पे रह रहे हैं वो एग्जाम्पल नहीं है, उनसे इम्प्रेस खुदा के लिए इम्प्रेस ना हो, उनकी ना आप देखें घर देखें, ना उनकी गाड़ियाँ देखें, ना उनकी बातें सुने। आपने इम्प्रेस होने तो उस इंसान से हों जो कि नीचे से ऊपर खुद बनाए, यू नो, क्योंकि वो उसमें हसल है, उसमें सेल्समैनशिप है, यू नो। और मैं कहता हूँ कि आपने पैसे किसी से रेज करने या किसी को कुछ बेचने, ये इज नो डिफरेंट टू सेइंग कि जी मैंने लड़की पटानी है। क्यों? चार जगह कोशिश करेंगे तो एक जगह पटेगी, और उसको इम्प्रेस भी करना है ना। अब आई डोंट लाइक दैट एनालॉजी, लेकिन जब आप कामयाब, आपके पास पीछे रिकॉर्ड होता है ना छोटी छोटी कामयाबियों का, तो अगला तारा होता है यार, खुद आ जाती है यार, ये आगे क्या करने वाले हो, 10% बेचोगे मुझे, 2% पैसे की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब आप मांगने जाते हो ना तो आपकी वैल्यू नहीं होती, जब व्हेन इट कम्स टू फंडिंग आपकी वो वैल्यू नहीं होती अनलेस यू गॉट अ लेगेसी। देखो मैंने पीछे कामयाबियां कितनी है, देन यू गो अगले की रिस्क कम हो जाती है। आप रिश्ता मांगने जाए पहली चीज क्या पूछते हैं, ये पता कराओ लड़का क्या करता है, पता कराओ उसका खानदान क्या है, आपका रिकॉर्ड चेक करें ना, आपका CV चेक करें। तो ये हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ में आपकी हिस्ट्री जो है ना, इसलिए लोग कहते हैं जी क्या फ़ायदा है इतनी तालीम का। भाई तालीम से आप ये शो करें कि मैं प्रेशर ले सकता हूँ और प्रेशर के बाद रिजल्ट निकाल सकता हूँ। yes. अब ये इसका ये मतलब नहीं कि आगे आप सेल्स कर सको कि नहीं कर सको, क्योंकि अगर आप सारी तालीम ले लो और आगे सेल्स ना कर सको तो फिर उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, रिजल्ट ना दे सको। राइट, सो सब कुछ लाइफ में आपने सोचना है कि मैंने सेल कैसे करनी है। और सेल का ये मतलब नहीं कि जी मैं ऊंचा बोल पाऊँ, सेल का मतलब ये कि मैं अगली पार्टी रिजल्ट एतमाद बिल्ड कर पाऊँ कि ना पाऊँ, अपने को बेच पाऊँ, अपना प्रोडक्ट बेच पाऊँ, कस्टमर है, यानी जिंदगी लिटरली बेचने पे होती है। अगर आप बच्चा हो, आप प्लेग्राउंड में जाते हो एंड यू वांट फ्रेंड्स, यू मस्ट बी एबल टू सेल योरसेल्फ। बिल्कुल, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको कंपनी चाहिए, उनको खुशामद चाहिए, उनको कोई और चाहिए बंदा खेलने के लिए, वो फुटबॉल लाइक करते हैं तो आपको भी फुटबॉल सीखना पड़ेगा। सो यू मस्ट अडॉप्ट, आप में ये होनी चाहिए, वहाँ से अपने को बेचना शुरू करो। एंड यू एज यू मूव ऑन इन लाइफ, जब रिश्ता भी जाओगे तो अगले भी कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं ना। अंग्रेजी में लफ्ज़ है ना ग्रिट, देखिए ग्रिट का क्या मतलब, ग्रिट का मतलब है आप लगे रहो। बच्चों को देखो ना, रट लगा लेते हैं चीज़ों के, लेकिन बेवकूफ़ाना रट नहीं होनी चाहिए। हर दफ़ा आपको सीखना चाहिए कि भाई मैंने लास्ट टाइम क्या गलती थी जिस जो इस दफ़ा मैं गलती ना करूँ। राइट, सो एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। लेकिन जब तक आप 10 जगह हिट नहीं करोगे आपको ये पता नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे मौका नहीं मिला, तो भाई मौका किसी को नहीं मिलता, मौका ढूंढना पड़ता है आपको, बनाया जाता है, मौका बनाना पड़ता है आपको, और वो आप ही बनाएंगे, आपके लिए और कोई नहीं बनाएगा। टॉकिंग अबाउट बाइकिया, चार चीज़ें, पहले तीन मांगी थी, चार सबक जो आपने सीखे हुए उसको स्केल करते हुए। आप कहें जी मैंने गलती की, कुछ हर बंदा गलती करता है, बट हमारे में क्या होता है कि वन वी लर्न एंटरप्रेन्योर्स सीखते हैं, हम अपने आप को बदल लेते हैं, गलती मान लेते हैं, हाँ यार मैंने गलती की। सो फोर लेसन जो उनको यानी उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, यू मस्ट हैव डन, कोई सीखा हो करते हुए, कोई गलती की हो, लेसन्स। देखें आई थिंक जब ये काम शुरू किया था मुझे बड़ा क्लियरली, आप अगर किसी से सरमायाकारी रेज कर रहे हैं ना, आपको बड़ा क्लियरली उनको बताना पड़ेगा कि वो पैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, और वो पैसे कब बनाएंगे,
और ये अगर नॉलेज आपको नहीं है तो बेसिकली आप किसी से पैसे रेज ना करें. ठीक ठीक है. तो आई थिंक एक ये मैंने लेट सीखा है. ठीक है. दूसरी बात ये है कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है. ठीक है. उस बिजनेस के खड़े होने का मकसद, उस बिजनेस के उस मिशन का मकसद है क्या. ठीक है. अब अक्सर लोगों के मकसद जो है वो वेरीड हो सकते हैं ना. कुछ लोग हैं उनका मकसद है कि जी मैंने बना के बेचना है, या मैंने बना के बेसिकली करोड़पति बन के रिटायर, यू नो, मैंने एक लैंड क्रूजर लेनी है. आपके बिजनेस का मकसद क्या, ये आपको भी पता होना चाहिए और आपके हर एक बेसिकली एम्प्लॉय को भी ये पता होना चाहिए जो आपके साथ काम करें कि इसका मेन मकसद है क्या. ठीक है. क्योंकि देखिए, आप रोज़ाना काम पे आने का कोई, रोज़ाना सुबह जागने का कोई मकसद होना चाहिए, राइट. और अगर आप रात को अपने काम के बारे में ख्वाब आपको नहीं आ रहे, या बेसिकली सोच नहीं रही, या टेंशन नहीं हो रही, मैं कहता हूँ छोड़ दो वो बिजनेस, छोड़ दो वो बेसिक काम, छोड़ दो वो नौकरी. जब तक आप में खबत नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा. ठीक है. और अक्सर लोग कहते हैं नहीं यार, ये मेरा, मैं बड़ा बोर हो गया हूँ अपनी काम से, अपनी नौकरी से. भाई ये आपकी अपनी गलती है. आप वो कड़ी नहीं रहे जिसमें आपको मज़ा आता है. और इसका लाजमी आपको पैसे बनाना नहीं है. देखिए, अक्सर लोग कहते हैं, आई नो आपका भी, देखें आपका है लोगों को मोटिवेट करना, लेकिन मोटिवेशन होनी चाहिए लोगों को खपत लाने में. एक बंदा म्यूज़िक बना रहा है, क्यों म्यूज़िक बना रहा है? वो मोस्ट लाइकली वो पैसे उससे नहीं बनाएगा. एक बंदा कुछ ईजाद कर रहा है तो क्यों ईजाद कर रहा है? देखें, आप में किसी न किसी चीज़ की खपत होनी चाहिए, उसमें परफेक्शन लाने की बेसिकली कैपेबिलिटी होनी चाहिए. आप देखें, हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे, आप जापानी ले लें, आप जर्मन ले लें, आप कुछ अमरीकनों को ले लें, क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो दुनिया में कामयाब है, वो इसलिए नहीं कामयाब कि वो ज़्यादा ज़हीन है, खबत है उनमें. आप में खबत होना होगा, खबत नहीं होगा तो आप में एनर्जी नहीं रहेगी. जेफ बेजोस ने खुद कहा है समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ, और मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा लगा रहा हूँ, कि अगर आप वो नहीं करेंगे जिसमें आपका दिल है तो आप कभी भी उसकी इंतहा तक नहीं पहुँच पाएंगे, राइट. और अगर आप उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई आपको उड़ा देगा, एंड फिर यू नॉट मेक मनी, फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आप डिसहार्टन हो जाएंगे. लेकिन अगर आप, मुझे जो पता है, मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ, कल तो वाकई मेरा गला यानी गॉन था, मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द होता है, पर मैं यहाँ पे स्माइलिंग कर रहा होता हूँ बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई डू. मुझे काम नहीं लगता, इवन तो मैं नहीं चार्ज करता फी, यानी वो लहदा बात है, बट अगर मैं चार्ज भी कर रहा होता आई वुड स्टिल डू इट. ठीक है. तो What he means is के do जिसमें आपका दिल है वो. अगर आपको याद करना, अगर आपको पकाना है, तो हर चीज़ में पैसे निकल आते हैं ना. आई कैन नेम म्यूजिशियंस इवन आई डोंट कंडोन इट, लेकिन म्यूजिशियंस जो यानी खरब पाती हैं, आई कैन, वो ईजाद करने वाले वो भी हैं. एवरी लिटिल नीश, बिरयानी पे यार लोग बिलियनर्स बन चुके हैं, राइट. बिरयानी हकीर सी चीज़ जिसको वी डोंट गिव इट अ सेकेंड ग्लांस. सो दैट्स हिज सेकेंड लेसन. एंड आई थिंक एक जो जो मेरे ख्याल में मैं सॉल्व नहीं कर पाया, और आई होप कि अगली जो पौध है वो सॉल्व करेगी, वो ये कि जी हम पे बहुत ज़्यादा बोझ है एज अ मर्द एक घर के अंदर, कि आपने जो आमदन है वो अपने माँ बाप जो रिटायर हो गए उनके लिए भी कमानी है, बीवी बच्चों के लिए भी कमानी है, उन भाई बहनों के लिए भी कमानी है. एक बंदा कमा रहा है बहुत ज़्यादा खाने वाले, ये चेंज होना हो. आपकी औरतें जब तक आप कुछ ना करो उनको बेसिक दुकान में खड़ा कर दो. जब क्योंकि सारे आप एशिया में देख रहे हैं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, फिलीपींस चले जाएं, चाइना चले जाएं, सारी बेसिक दुकानों में औरतें होती हैं. मेरे अब्बू दुकान चलाते थे, बट देयर वर शिफ्ट जब मेरी अम्मी थी, मेरी मासी थी. मेरे अब्बू 7 दिन में UK से गाड़ी चला के पाकिस्तान आए थे, बट दैट वॉज नॉट हिम. 1/3 मेरी अम्मी ने चलाई, 2/3 मेरे अब्बू ने चलाई, 7 थी. So we need women. We need that 50%. और इसका example आप हजूर से देख लें. हजूर की बीवी कौन थी? ताजरा. ताजर. Business woman. ताजर. खुद क्या थे? ताजर. आपने ये शऊर सिर्फ अपने अंदर नहीं डालना, आपने अभी से अपनी फैमिली के अंदर डालना, ताकि आपकी रोजगार बढ़े. आपका रोजगार बढ़ेगा तो घर खुशहाल होगा. यस. उम्मत अमीर होगी, पाकिस्तान अमीर होगा. इसको चलो 3 लेसन कह देते हैं. 1 last lesson. मेरे ख्याल में बेसिकली मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी मुझे पढ़नी चाहिए थी,
और जितनी मुझे पढ़नी चाहिए हैं आज भी, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप टॉक्स या लेसन्स भी सुन सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन किताब लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ है। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ पढ़ना सीखो। आई होप एंड विश दैट आई हैड मोर टाइम और द पेशेंस कि मैं पढ़ सकूं ताकि मैं सीख सकूं, क्योंकि एक जो चीज़ अंग्रेज भी बहुत करता है और चीनी भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है लोगों की हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, रिसर्च करता है कि भाई इसने क्या सीखा है जो कि मैं एक हफ्ते के अंदर या दो हफ्ते के अंदर इसकी ज़िंदगी का निचोड़ सीख पाऊँ। A really good tip. The Swedish entrepreneur YouTube channel है, वो पता है क्या करता है, आपकी जितनी ये किताबें ना उसमें जितने सबक होते हैं, निचोड़ होता है, वो उसका निचोड़ निकाल के आपको पेश कर देता है। यू आर ड्राइविंग। मेरी औलाद अक्सर मुझसे पूछती है अब क्या सुन रहे हो, मैं उसको सुन रहा होता हूँ, राइट। बैठा हो ना बैठा हो, मेरी 40 मिनट की जर्नी है, राइट। मैं उसके साथ जब होता हूँ आल प्लेट, क्यों, मैं चाह रहा हूँ वो भी सीखता जाए ब्लैक स्वान क्या है। ब्लैक स्वान इफेक्ट मेरे पास पूरा टाइम नहीं है टू रीड दैट बुक, पर आई लिसन टू दैट, तो 40 मिनट की उसने समझा दी मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, और एक्सरसाइज भी आपको लाजमी करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी जो है ना वो टेंशन लेवल कम होते हैं, ठीक है। तो और एक्सरसाइज सबसे सस्ती एक्सरसाइज पता है क्या है, आप आधे घंटे के लिए भागना शुरू कर दोगे, सबसे सस्ती एक्सरसाइज है, ठीक है। और मैं उस आधे घंटे में या पौने घंटे में कभी कभी करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ मैं एक यूट्यूब की मैंने एक ब्लूटूथ का छोटा सा स्पीकर एक हाथ में रखा होता है, दूसरे में मैं से इम्पैक्ट थ्योरी के नाम से एक चैनल है, एक वीडियो कास्ट है जो कि मैं सुनता हूँ, इंस्पिरेशनल है। तो एक तो मैं आधे पौने घंटे के लिए भाग भी रहा हूँ, साथ सीख भी रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आप टेक्नोलॉजी में, डिड यू हैव एनी पेन पॉइंट्स जब आप ग्रो कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट और स्किल? देखें सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये होगी कि मैं इतने अरसे से एक टेक्नोलॉजी कंपनी से मुलविस हूँ। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, ना मेरी इंजीनियरिंग डिग्री है, ठीक से मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। लोग जो कहते हैं कि जी आप कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते या प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास वो टेक्निकल स्किल नहीं है, गलत है, सब गलत है। एग्जैक्टली आपने प्रोसेस बनाना है, ठीक है, और वो प्रोसेस बनाने के लिए आपको डिग्रियां नहीं चाहिए। प्रोसेस बनाना है वो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, वो आप खुद एक खबत में भी सीख सकते हैं, और आप हमेशा यू कैन ऑलवेज हायर पीपल जिनके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कुछ बनाने की, और उन क्योंकि आपने बताना है कि क्या बनाना है और बनाने के लिए 100 लोग तैयार हैं क्योंकि उनका स्किल लगी स्किल सेट है। सॉरी मेरा सवाल था, रियली गुड टिप। मेरा सवाल ये था, मेरा जो अंत तक तजुर्बा जाता है, मैं पाकिस्तान में जो काम करना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे बंदे नहीं मिलते, और ठीक है बड़े शहरों में मिल जाएंगे, पर आई कांट मूव टू कराची, आई कांट मूव टू लाहौर, और ठीक है हमारी ठीक ठाक पॉपुलेशन बाहर है, हमें हमने अगर एक बड़े शहर में कहूँगा कि ऑफिस खोला है तो हाउ वी पे फार लेस इन दैट बिग सिटी कंपेयर टू छोटे शहर, और छोटे शहर में भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। देखिए कोविड ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहली बात तो ये कि लोगों का जो रुझान था या बेसिकली विलिंगनेस थी वीडियो पे बात करने की या रिमोटली काम करने की, वो बदल दी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था मैं तकरीबन एक महीने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में फिर टोर रहा था क्योंकि सब लॉकडाउन था, लेकिन काम मैं वीडियो पे कर रहा था हर जगह, बेसिकली जो मेरे बेसिक कॉलीग्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनके सामने काम कर रहा था व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, ठीक है। सो एक तो ये कि बेसिकली अब आपकी जियोग्राफी की लिमिटेशन नहीं रही, लेकिन दूसरे अगर आपने लोग भर्ती करने कोई ना कोई प्रोसेस बनाए, हम भी अब एक प्रोसेस एक फाइनलाइज करें प्रोसेस के जी, अगर आपने बाइकिया के लिए अप्लाई करना है ना तो आपने एक छोटा सा एक एनालिटिकल टेस्ट या रीडिंग टेस्ट करना है ताकि हमें समझ ही आए कि भाई आप पढ़ के समझ सकते हो कि नहीं सकते, आप में बेसिक कैलकुलेशन की स्किल्स हैं कि नहीं है। उसके बाद आपने एक मिनट का वीडियो बनाना है ताकि हम 20 लोगों को इंटरव्यू ना करना पड़े, सिर्फ 2-3 लोगों को इंटरव्यू करना पड़े। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनाएं, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनाएं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और ये आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। और उसमें एक अकलमंदी की बात बताऊँ, मुझे जो पता है अंदर की बात है, दे डोंट वॉन्ट कि इनका इमेज ख़राब हो,
दे डोंट वांट कि आपका इमेज, आप चाह रहे हो कि आप, पहले तो हमने गट्ठे कर लिए, नाउ हमें सिर्फ बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए। हम नहीं चाहते कि एक बंदा हमारा जो पुराना माड़ा सा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट में वो आए और वो इतना बदतमीज़ हो या उसमें तमीज़ ना इतनी हो टू ट्रीट आवर कस्टमर्स राइट, ऐसा है ना? बिल्कुल, देखिए ना, आपने अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि भाई आपने रिजल्ट निकालने, बातें नहीं करनी, ठीक है? और अगर रिजल्ट निकालना है तो भाई मैं आपसे जब मैं अगर इंटरव्यू में किसी को इंटरव्यू करूंगा तो मैं तो सिर्फ ज़बानी बातें समझ सकूंगा ना, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आएगी कि भाई इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसी है या इसकी कैलकुलेशन स्किल्स कैसी हैं, यू नो, या इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, पीपल स्किल्स कैसी हैं, गुड, और ये प्रेजेंटेबल कितना है, क्योंकि नाउ दैट मैटर्स। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आप आंसर करना चाहें, ऑन एवरेज आपका एक राइडर कितने कमा लेता है ऑन अ मंथली बेसिस? सिर्फ मुझे ऑपरेशन वो एवरेज चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा वहाँ पे है, जिनको मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, अगर वाकई आपके माँ बाप आपको धकेल रहे हैं टूवर्ड्स द रटा, तो शाम जो है वो अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो। पार्ट टाइम राइडर होते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप यकीन माने कि बाइकिया में 70% जो लोग बाइकिया चलाते हैं वो बिल्कुल पार्ट टाइम काम करें, यानी दिन में सिर्फ 3-4 घंटे मैक्सिमम लगा ले होंगे, ठीक है? तो ये आपको इसको जिस तरह सोचना चाहिए, इस तरह ही सोचना चाहिए कि महीने में कितना कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम करें या बेसिकली किसी ऑफिस जाते हैं या फैक्ट्री में काम करें या तालीम ले रहे हैं ऑन द वे बैक फ्रॉम द ऑफिस, गोइंग टू द ऑफिस। तो ये सारा निज़ाम जो फी घंटा है, तो फी घंटा है, चाहे वो दिन में 1 घंटा लगाएं या दिन में 3 घंटे लगाएं या 5 घंटे, नॉन पीक आवर्स। सो कोई पीक आवर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है बाइक सवारी का, ठीक है? तो तकरीबन 150 से 250 रुपए फी घंटा लोग बनाते हैं आफ्टर खर्चे, ठीक है? और उन तक है कि वो बेसिकली घंटा काम करें कि 4 घंटे काम करें दिन में। गुड, ओके, दैट्स इंफॉर्मेशन दैट यू हर्ड इट फ्रॉम द बॉस हिमसेल्फ। जज़ाकअल्लाह खैर एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम। मैंने बहुत कुछ सीखा है, लवली टू हैव मेट यू। ये सीखा, मेरा दिन बन गया, राइट? कल आई मेट विद हसान फ्रॉम अपना ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स, उनका भी एक प्रोडक्ट है वेरी सिमिलर। यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बहाने खत्म रह गए गरीब रहने के, सीरियसली। वो था यार, वो कहीं जितने शरीफ ने किया, भुट्टो ने किया, हान ने किया ना मैन, आप उन तीनों ने नहीं आना, जिंदा रहें मर जाएं, आपको अपनी तकदीर खुद बदलनी है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन न्यू वीडियो अन करीब। और अगर आपको कोई भी वीडियो में मेरे से कुछ लर्निंग मिली, सबक मिला, तो एनी वन टू मेरे यार इसका को भला कर देते हैं, सब्सक्राइब कर दो, ओके? बिकॉज दैट नंबर मैटर्स टू मी। अब मेरा मैंने उसको बढ़ाना, पहले कोई नहीं था, अब उसको बढ़ाना, 4 मिलियन पे आ रहा हूँ अन करीब। ओके जी, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।